हाय नुजात, कैन यू हियर मी? यस, हाय हाय लोकेश, हाउ आर यू? तो आई एम गुड। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? अच्छा चल रहा है फिलहाल तक तो. ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट किया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग कभी ऑफ सीजन ट्रेनिंग का नहीं आता, ट्रेनिंग चलती रहती है. गुड। तो जो भी देख रहा है, मैं उनको आपका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जी नुजात परवीन इज अ वुमेन्स क्रिकेटर। शी इज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन T20 एंड ODI फॉर्मेट। ये 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप के भी पार्ट रह चुकी है, जो टीम फाइनल मैच तक पहुंची थी 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप के, और रनर अप खत्म किए थे ये लोग। तो नुजात, आपका जो क्रिकेट करियर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप भी MS धोनी जैसे पहले फुटबॉल से स्टार्ट किए। तो जी आपका क्रिकेट करियर स्टार्ट कैसे हुआ बेसिकली? जी बेसिकली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन ऐसा हुआ था कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट की टीम बन रही थी क्रिकेट की. मतलब मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो MP स्टेट के अंडर आता है और रीवा डिवीजन के अंडर आता है ये. तो जब टूर्नामेंट होने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट पहली बार हो रहा था 2011 में, और उस वक्त मैं ऑलरेडी फुटबॉल के नेशनल्स खेल चुकी थी. एथलेटिक्स में नेशनल्स खेल स्टेट्स गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके बाद नेशनल्स खेल खेल सकती थी आगे, लेकिन जो फुटबॉल के लिए जो इंक्लाइन था मेरा मन बहुत ज़्यादा था, तो मैं और कोई स्पोर्ट्स खेलना नहीं चाहती थी. लेकिन हमारे सेक्रेटरी सर ने डिस्ट्रिक्ट के रिक्वेस्ट की कन्विंस किया कि टीम जा रही है. उन दिनों तो लड़कियां मिलना ही मुश्किल होती थी क्रिकेट टीम बनाने के लिए, तो वो अलग स्ट्रगल फेस था वो उस चीज का. तो उस वक्त अगर मैं भी मना कर देती तो शायद टीम नहीं बन पाती, इसलिए मैं मान गई और मैं ज्वाइन की टीम 2011 में, और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलने गई ये सोच के कि 3 4 दिन का ही तो काम है. और उसके आगे फिर सिलेक्शन हुआ डिवीजन में, फिर उसके आगे स्टेट में भी सिलेक्शन हुआ. तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने सेलेक्शंस, मतलब पहली बार तो पता ही नहीं था कि इतने स्टेजेस होते हैं. तो उसी उसी वक्त मेरा क्रिकेट का जो करियर था शुरू हो चुका था. और फुटबॉल में भी आपने स्टेट रिप्रेजेंट किया है। आप MP के लिए खेलती थी फुटबॉल, और जी एथलेटिक्स में भी अच्छा लेवल खेला है आपने। तो वहां से जी क्रिकेट पे स्विच करना कितना इजी था आपके लिए, या कैसा था? इजी तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जब मेरा रुझान ही फुटबॉल में था, तो एक स्पोर्ट्स को छोड़ के दूसरे स्पोर्ट में आना बहुत मुश्किल होता है. जबकि फुटबॉल में मैं अच्छा कर रही थी, और एम्स, मतलब एम्स तो बना चुकी थी, टारगेट रख चुकी थी कि इतने टाइम में नेशनल, इतने टाइम में टीम इंडिया, मतलब उसमें भी टारगेट्स सेट कर चुकी थी मैं. तो जब MP के लिए स्टेट खेली मैं पहली बार, तब मुझे पता चला कि आगे नेशनल्स भी होते हैं, जोनल्स भी होते हैं, टीम इंडिया भी होती है. फिर धीरे 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 पता चला कि हाँ, ये सारे स्टेजेस हैं. तो मुश्किल काफी था मुझे स्विच करना, सिर्फ और सिर्फ मन की वजह से. फिजिकली जो फिटनेस थी वो टचवुड इतनी अच्छी थी कि उस टाइम कोई भी स्पोर्ट अगर मैं स्विच करना चाहती तो हो जाता. और जैसे MS धोनी का स्टोरी है, वो पहले गोलकीपर थे, बट आप जी तो स्ट्राइकर थे। वो गोलकीपिंग से जी विकेट जी कीपिंग पे आए, और आप स्ट्राइकर से विकेट कीपिंग पे आना कैसा हुआ आपका? ये आपने कुछ अलग सवाल पूछ लिया है. जी आप अच्छा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं. मैं राइट आउट खेलती थी या सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी, क्योंकि जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि एक बैट्समैन के लिए मतलब बहुत जरूरी और एंजॉयफुल होता है बड़ा स्कोर करना, तो वही फुटबॉलर्स के लिए गोल मारना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है जो भी गोल मारता है. तो मुझे गोल गोल करने का बहुत अंदर से एनर्जी आता था, तो मैं राइट आउट खेलती थी. लेकिन क्रिकेट में मैं विकेट कीपर इसलिए बनी क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर्स बैकबोन होते हैं टीम के, और वो वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है. और जब डिस्ट्रिक्ट टीम बन रही थी उस टाइम, तो 11 लड़कियों को टीम बनाने के लिए इकट्ठा करना मुश्किल था. तो किसी को इतना टफ जॉब दे करके उस पर ट्रस्ट करना इजी नहीं था. और मुझे, दूसरी बात है कि मुझे ग्लव्स का और डाइव करने का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा कि ये डिपार्टमेंट फिर मैं ही हैंडल कर लेती हूँ.
आप शायद से पहले टेनिस बॉल पे क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद जो एक्चुअल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है वो कैसे स्टार्ट हुआ आपका? जी मैं टेनिस बॉल खेलने तो काफ़ी शुरू में ही मतलब 12-13 साल की उम्र में ही मैं कन्याकुमारी तक गई हूँ सिर्फ टेनिस बॉल खेलने. तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे कॉल आया था जब मैं कन्याकुमारी से वापस आ रही थी. नाइट टूर्नामेंट खेलने गई थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत नाम वाम हुआ था. लेकिन वो क्या, वो टेम्पररी होता है और मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था. जहाँ पे मेरे सीनियर भेजते थे मैं चली जाती थी, तो अगर वक्त रहता था तो फिर मैं वहाँ से जब वापस आ रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब काफ़ी दिन हो गए थे. कन्याकुमारी यहाँ से MP से काफ़ी दूर पड़ता है और बाई ट्रेन जाते थे उस वक्त, तो काफी दिन हो गया था घर आए. तो मुझे तो सिर्फ जल्दी से जल्दी घर आने की मतलब जल्दी मची हुई थी मुझे. और उस वक्त जब कॉल आया मेरे कोच सर का रीवा से कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है MP स्टेट कैंप में, मतलब कैंप में 25-30 लड़कियां रहती हैं, तो और तुम्हें ग्वालियर में रिपोर्ट करना है, तो उस वक्त काफी मुश्किल था मेरे लिए अकेले ट्रैवल करना. तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी, मुझे तो घर जाना है. तो और मैंने बोला मैं यहाँ से तो अभी 4-5 दिन के बाद निकलने वाली हूँ. तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मेल डाल देता हूँ, आप 4-5 दिन बाद रिपोर्ट कर लो. अब किसी टीम को या किसी कैंप को एज एन आउटसाइडर 5 दिन बाद ज्वाइन करने में थोड़ी डर तो लगती है मतलब. तो मैंने टोटली मना कर दिया था, मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा था. मेरे सीनियर दीदी ने और सर ने मुझे मिलके बहुत कन्विंस किया, समझाया कि बेटा जो ये क्रिकेट है लेदर बॉल का वो असली क्रिकेट है, आप जो खेलने जाते हो उसमें इतना फ्यूचर नहीं जिसमें जितना इस चीज में फ्यूचर है. तब मैंने उनकी बात मानी और बहुत हिम्मत करके मैंने 5 दिन लेट वो टीम ज्वाइन की और उसके बाद से तो सब अच्छा चल रहा है. और फिर उसके बाद जो आपका फर्स्ट टाइम इंडिया का कॉल अप था, जी तो वो उस टाइम पे आप कहाँ थे? आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप इंडियन वुमेन्स टीम में सिलेक्ट हो गए हो? जी ये भी बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं ये सारे मेमोरीज को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक मूवी जैसा चल रहा है. तो उस वक्त मैं ट्रेन में थी, मैं चैलेंजर्स ट्रॉफी बड़ौदा से खेल के वापस आ रही थी, घर जा रही थी दिवाली के मौके पे अपने बेस्ट फ्रेंड और उसके फैमिली के साथ, और वाया भोपाल जा रही थी. भोपाल में MP का पासपोर्ट वगैरह अप्लाई होता है, तो मैंने सोचा था कि अगर फ्री हूँ 1-2 दिन तो अप्लाई कर देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ही. तो मैंने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था और जब मैं निकली यूँ मान लीजिए आप कि मैं सिंगरौली पहुँचने में मुझे और 5-6 घंटे थे. शाम के टाइम पे मुझे मेरे दो क्रिकेट मेट्स बेस्ट बडीज का हमारा एक ग्रुप था, तो उसमें उनका कुछ इमेज आया और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा उन्होंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस नुज. तो मुझे लगा कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है किसी जूनियर टीम में या इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस एज अ कीपर बहुत अच्छी रही थी बड़ौदा में. और चैलेंजर्स ट्रॉफी मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स होता है विमेन क्रिकेट में, उसके बाद ही इंडिया ए और इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन होता है. तो मुझे लगा कि हुआ होगा किसी जूनियर टीम में. और वो पल ऐसा था कि उस वक्त डाउनलोड भी नहीं हो रहा था क्योंकि नेटवर्क इतने अच्छे नहीं थे ट्रेन में. और जब मुझे कॉल आया उनका और मुझे पता चला कि इंडिया के लिए डेब्यू करने वाली हूँ और एशिया कप के लिए थाईलैंड भी जाना है, तो यूँ मान लीजिए दिवाली में रौनक सी छा गई थी बस. और बचपन से भी आपका फैमिली का कितना सपोर्ट था आपको, मतलब स्पोर्ट्स खेलने के लिए? बिकॉज आप एथलेटिक्स में भी अच्छे थे, फिर फुटबॉल में भी आप अच्छे थे, क्रिकेट भी आपने अच्छा किया, और उसके अलावा पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो घर से मतलब आप 12th स्टैंडर्ड में आपका शायद 91% आया था, 91.8 या समथिंग, जी तो मतलब जी घर वालों का कितना खुश थे या कितना सपोर्टिव थे आपको स्पोर्ट्स में जाने को लेकर? जी अगर यहाँ तक पहुँची हूँ और सक्सेसफुल हुई हूँ और सारे स्पोर्ट्स और पढ़ाई में अच्छी रही हूँ, तो बेशक घर वालों का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि घर वालों के सपोर्ट के बिना कोई इंसान इतने दूर तक नहीं आ सकता जितना भी लड़ भिड़ ले या क्योंकि मेंटली मेंटली एक चीज आती है कि आदमी को थका देती है, स्ट्रेस दे देती है. लेकिन ऐसा कभी मुझे डील नहीं करना पड़ा,
और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं उनको पता था, उनको ट्रस्ट था कि मैं पढ़ाई भी अपने वक्त से कर लेती हूँ और अच्छा हैंडल कर रही हूँ. और जब सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ तो फिर कोई इश्यू ही नहीं था पेरेंट्स को और भैया दीदी को, तो उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया मुझे. अभी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, आज मतलब 25 जून इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत स्पेशल डे, क्योंकि आज ही जी 83 में वर्ल्ड कप जीता गया था। ऐसे ही जी एक वर्ल्ड कप 3 साल पहले 2017 में इंग्लैंड में ही चालू था, जिसके आप पार्ट रह चुके हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप। जी सो वुमेन्स वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होना आपके लिए कैसा था, और आप वर्ल्ड कप के टीम में सिलेक्ट हुए वो कैसे मालूम पड़ा आपको? जी मैं उस वक्त 2017 15th ऑफ मई को लिस्ट निकली थी वर्ल्ड कप की, और मैं उस वक्त अच्छा, साउथ डेट भी याद अफ्रीका. है। जी बिल्कुल, ये डेट्स भुलाई नहीं जाती. तो उस वक्त मैं रिकवरी सेशन कर रही थी साउथ अफ्रीका में, टीम के साथ गई हुई थी वनडे सीरीज खेलने. और वहाँ पे जाके जब ये लिस्ट निकली, मैं पूल सेशन कर रही थी उस वक्त, और जब मैंने पढ़ा तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं, दीप्ति और मानसी उस वक्त जूनियर मोस्ट थे, तो हम तीनों ही ज़्यादातर साथ में रहते थे. तो ऐसा था कि जब पता चला तो इतनी खुशी हुई आपस में कि ऑलमोस्ट सेम टीम थी जैसे साउथ अफ्रीका की गई थी, शायद एक दो चेंजेस होंगे लेकिन सेम टीम थी. तो हम सभी को बहुत खुशी हुई कि वापस से एक टूर आ रहा है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूर्स, मतलब वर्ल्ड कप ही हाईएस्ट टूर्नामेंट होता है क्रिकेट में, तो वो आ रहा है. तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हमें अंदर से ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि इस साल तो कुछ ज़रूर रिमार्केबल होने वाला है. और आप लोग फाइनल्स के लिए, फाइनल आप लोग का था लॉर्ड्स पे, तो जी लॉर्ड्स पे आप और वुमेन्स क्रिकेट में इतना मतलब शायद आप लोग को यूज टू नहीं हो आप लोग इतने सारे क्राउड के सामने खेलने के लिए, तो और लॉर्ड्स का स्टेडियम पूरा पैक्ड था, जी तो मतलब वो आप लोग का फीलिंग कैसा था लॉर्ड्स पे वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का? जी वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब लॉर्ड्स को तो हेवन कहते हैं अर्थ पे, क्रिकेट का हेवन, और वहाँ जाने का सबका सपना होता है. और मैं वहाँ गई, प्रैक्टिस सेशंस किए, हमने मैचेस खेले, तो वो जो फाइनल का दिन था, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ आएगी, इतना रश आएगा, इतने लोग सपोर्ट करने आएंगे. दैट टू इंडियन सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, और पूरा, मतलब पूरा स्टेडियम भरा हुआ था. और जब कोल्ड वेदर था वहाँ पे, जब हम जैसे जैसे रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक अंदर से शिवरिंग, चिल शिवरिंग निकल रही थी कि ना जाने क्या होने वाला है, और अभी पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है, हमारे फेवर में रहेगा या हमारे फेवर में नहीं रहेगा. तो वो वैसी फीलिंग वापस कभी नहीं आई, वैसा एक्सपीरियंस कभी नहीं आया अभी तक. और आप लोग वो फाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गए 9 रन से, मतलब जी बोलते हैं ना कि एकदम पास आके आप हार गए, बट और आप लोग ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटेड रहे होगे, बट जो आपको रिसेप्शन मिला है इंडिया आने के बाद, ऐसा लग रहा था कि आप लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो वो रिसेप्शन के बारे में कुछ याद है आपको बॉम्बे एयरपोर्ट जी पे? बिल्कुल, वो साल के बारे में, हर दिन के बारे में याद है मुझे. तो जब हम अनफॉर्चुनेटली 9 रन से हारे, मतलब 9 रन्स अगर बोले तो बहुत क्लोज मैच चला, वो किसी भी फेवर में जा सकता था. जब हम वापस जा रहे थे तो हमें ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि हम हार गए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइंड ब्लैंक हो गया था, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, सबके मूड ऑफ थे. और फिर जब हम वहाँ पे होटल रूम में पहुँचे, जब हम डिनर के बाद सोने गए, तो मुझे तो नींद नहीं आई. आई एम श्योर बहुत लोगों को नींद नहीं आई होगी उस रात, क्योंकि बहुत अपसेट थे हम, बहुत सैड थे अपने रिजल्ट से. ऐसा लग रहा था कि काश ऊपर वाला एक और मौका दे दे, एक और मैच करा दे फाइनल, इस बार हम प्रूव कर देंगे. तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मन में. तो ऐसे हम ट्रैवल किए इंडिया के लिए, और कभी ऐसा देखा भी नहीं था, और कभी विमेन क्रिकेट के लिए ऐसा सुना भी नहीं था. जो उस रात को 3 बजे हम लैंड हुए, और बोला गया हमें अंदर से कि आप इस गेट से नहीं जा सकते हैं, आपको थोड़ा नीचे के गेट से जाना पड़ेगा. तो हमने पूछा क्यों, तो बोले कि बहुत रश आई हुई है, बहुत भीड़ आई हुई है.
तो हमें बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, रात के 3 बज रहे हैं मुंबई में. और फिर हम जब बाहर निकले तो जितने भी एमसीए मतलब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, स्टाफ, हमारे रेलवेज के सीनियर्स, सुपर सीनियर्स, बहुत लोग, मतलब बहुत लोग आए हुए थे. सारे सपोर्टर्स आए हुए थे हमें सपोर्ट करने, हमें मोटिवेट करने. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम हार के वापस आ रहे हैं या हम बहुत अपसेट हैं. मतलब बाहर का माहौल देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. और मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे 6 क्लोज फ्रेंड्स भी आए हुए थे वहाँ पे. वो भी सरप्राइज देने, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. तो उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और बहुत अच्छा लगा. ग्रेट. और जो वो वर्ल्ड कप में वुमेन्स क्रिकेट के लिए, वुमेन्स क्रिकेट डेवलपमेंट में बहुत काम किया है, बहुत हेल्पफुल रहा है वुमेन्स क्रिकेट के इंडिया में. तो आप बता सकते हो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में मतलब क्या क्या चेंजेस आए वो वाले वर्ल्ड कप के बाद? जी बिल्कुल, चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं. उस वक्त जब हम अंडर 19 खेला करते थे, उसके बाद सीधे 19 एज ग्रुप खत्म होने के बाद हम सीधे सीनियर्स के टूर्नामेंट में अगर सेलेक्ट हुए, लक रहा और मेहनत की, तो सेलेक्ट होते थे, नहीं तो फिर हमारे पास टूर्नामेंट ही नहीं बचते थे. ऐसे बहुत सारे करियर्स, बहुत सारे प्लेयर्स ने फेस किया ये चीज़ हमसे जो सीनियर्स हैं. लेकिन हमारे टाइम पे ये चीज़ अच्छी थी कि एक अंडर 23 एज ग्रुप निकली थी, जिसमें और 19 के बाद आपको 5 साल का मौका मिलता है खुद को प्रिपेयर करने का, ताकि आप सीनियर्स में फाइट कर सको. और उसी मतलब उसके बाद अभी अंडर 16 भी स्टार्ट हो गया है गर्ल्स का. और उस वक्त जो अंडर 19 में हमारे स्किल्स रहते थे, आज के आप अंडर 16 में वैसे स्किल्स देख सकते हैं. इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो आई एम श्योर बहुत अच्छे यंगस्टर्स आगे आने वाले हैं. और उसके बाद हमारे डोमेस्टिक मैचेस भी बढ़ गए, टूर्नामेंट्स जिसको कहते हैं. पहले हमें सोचना पड़ता था, अच्छा अब 19 का खत्म हो गया, अब 23 का कुछ आ जाएगा या सीनियर्स का कुछ मैच आ जाएगा. लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मैचेस इवन क्लैश होते हैं 19 और सीनियर्स के. और ऐसा होता है कि मतलब पहले हमें 4 से 5 लीग मैचेस मिलते थे और बाद में नॉकआउट्स होते थे. लेकिन अभी प्रॉपर 8 to 9 मैचेस हर टीम को लीग में मिलते ही मिलते हैं. उसके बाद क्वालिफाई किया तो कम से कम 4-5 और मैच आपको हमें सुपर लीग्स में मिलते हैं. और सेमीफाइनल, फाइनल, मतलब काफी मैचेस जो है, हमारे नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए हैं. और अब हम भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड, लाइक मेन, लाइक जो मेन क्रिकेटर्स जितने ऑक्यूपाइड रहते हैं, सॉर्ट ऑफ उतने ही ऑक्यूपाइड हम भी होने लगे हैं. तो उसके बाद हमें अपने फिटनेस, फिजिकल फिटनेस पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि सारे फॉर्मेट्स खेलने के लिए आप फिट होने चाहिए इतने, कि आपके में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप साल भर खेल लो. तो उसके बाद से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स, एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग्स, कंडीशनिंग मतलब रनिंग एंड ऑल, कार्डियो, मतलब बहुत सारे टर्म्स से हम मतलब जान पाए हैं. और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने फॉलो किए, हमने अडेप्ट किए हैं अपने बॉडी के लिए. तो वो सारे चेंजेस मतलब यू मान लीजिए बहुत पहले ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, इंक्लूडिंग ऑल दिस. और आपके पर्सनल लाइफ में कितने चेंजेस आए वो वर्ल्ड कप के बाद? आपके फैंस बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए, कितने चेंजेस आए उसमें? जी, फैंस और फॉलोअर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत बढ़ गई है. और सिंगरौली एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पे बहुत रश नहीं है, बहुत पीसफुल जगह है. लेकिन पहले थोड़े बहुत जानते थे, लेकिन अब एक रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ गई है. सब पहचानते हैं, कहीं भी जाओ सब सब जानते हैं. और मतलब जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आई भी थी, तो मेरा जो वेलकम हुआ था वो भी बहुत बेहतरीन हुआ था ऑन रेलवे स्टेशन. मुझे भी नहीं पता था कि इतने इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि पूरे प्लेटफॉर्म पे भीड़ लग गई थी. मुझे पता नहीं था ये मेरे लिए आया. ऐसा लग रहा था कि सपना सपना जैसा है, मतलब भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने लोग मेरे लिए आए. तो सपोर्टर्स बढ़ गए, ब्लेसिंग्स बढ़ गई पर्सनल लाइफ में. अब मतलब खुद को भी जो भी करना होता है वो सोच समझ के करना होता है. अब हम ऐसा लगता है यहाँ पे आकर कि नॉर्मल नहीं रहे आप, नॉर्मली नॉर्मल नहीं रहे. आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, हटके काम करना पड़ेगा. और
मोर देन दैट आपको इंस्पायर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं, आपसे सीखते हैं. तो आपको आपको भी सही वे में जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा. करेक्ट। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती है वुमेन्स क्रिकेट को, मतलब डेवलपमेंट को लेके, कि क्या किया जा सकता है। कोई लोग बोलते हैं कि जैसे वुमेन्स आईपीएल भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो वुमेन्स आईपीएल जैसे बिग बैश में वुमेन्स का अलग सा टूर्नामेंट है, इंग्लैंड में भी होता है, तो जी किया आपको सोपा क्या लगता जी. है ये? हाँ, तो वो क्या इंडिया के लिए ये सही टाइम है वुमेन्स आईपीएल स्टार्ट करने का? अभी भी होता है, बट अभी दो या तीन टीम खेलता है, वो पे एक फुल फ्लेज वुमेन्स टूर्नामेंट के लिए क्या आपको लगता है ये सही टाइम है? मुझे तो ऐसा लग रहा था, अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन, ये कोरोना की सिचुएशन नहीं आई होती, तो इस साल बेशक चालू हो जाता हमारा आईपीएल, और अच्छे अच्छे टीमों के साथ. मतलब दो तीन टीमों के साथ नहीं, 5 to 6 teams हो सकते थे. क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, अंडर 16 से ही लड़कियां तैयार हो गई हैं, और वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में फिट हो गई हैं, स्किल्स अपने डेवलप कर लिया उन्होंने. तो हो सकता था, लेकिन ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आई है, इसके अकॉर्डिंग कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब खत्म होगी और अब कब हमारे मैचेस और टूर्नामेंट शुरू होंगे. कई जगह पे ट्रांसजेंडर मैच की भी बात होती है। बीच में आरसीबी ने कार्ड निकाला था, वो लोग ट्रांसजेंडर नहीं, मिक्स जेंडर मैच को सपोर्ट कर रहे थे। जी जी तो मतलब वो मेंस और वुमेन्स मिलके एक, तो आप पहले कभी खेल चुके हैं ऐसा मैच या खेलना चाहते हैं? जी मिक्स जेंडर मैच मैंने इनविटेशन टूर्नामेंट खेला हुआ है हरियाणा के रोहतक सिटी में, और मतलब एक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. कॉम्पिटिटिव होता है, और ऐसा नहीं होता है कि मेल क्रिकेटर्स आपको सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन उल्टा काफी सपोर्ट करते हैं आपको. ऑन फील्ड बहुत सपोर्ट देते हैं. मतलब एक तरह से अंदर से आता है कि पता नहीं मैं खेल पाऊंगी कि नहीं, इनको फेस कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन वो उल्टा मोटिवेट करते हैं ताकि हम अच्छा खेले और अच्छा परफॉर्म करके निकले. तो ऐसा मन में कोई झिझक नहीं रहती है. तो मेरे ख्याल से काफी ये जो मिक्स जेंडर का आइडिया है, आई होप सक्सेसफुल होगा ये आगे चल के. आप एक किसी फैन ने आपसे पूछा है कि शेफाली वर्मा के साथ आप खेले थे अभी चैलेंजर ट्रॉफी में भी ये साल, तो जी वो जी इतने कम एज में वो इतना बड़ा नाम कमा लिए, तो आपने उनको स्टार्टिंग से देखा है, बहुत पहले यंग एज से देखा है, तो उनके जी बारे में आपका क्या राय है? जी मैं उनके साथ लास्ट ईयर अंडर 23 का चैलेंजेस भी खेली थी, सेम टीम में थे हम. लेकिन वो वनडे फॉर्मेट था, तो वनडे फॉर्मेट हो या T20, उनका बैटिंग का स्टाइल सेम रहता है. एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं वो, और एक्सपीरियंस भी अच्छा है. मतलब मैंने उनके साथ ओपन भी किया हुआ है, तो अगर जब तक वो रहते हैं क्रीज पे, तो ऐसा रहता है कि आपको रन्स लाने की चिंता नहीं रहती है. आप फोकस कर सकते हैं अपने पे, टीम स्कोर बढ़ता रहेगा. आप मतलब उनके साथ एक प्लानिंग होती है अलग टाइप का खेलने का, और नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होकर उनको बैटिंग करते देख सबसे अच्छा रहता है. क्योंकि मतलब पता भी नहीं चलता है कि वो शॉट उन्होंने कब और कितनी तेजी से मारा. तो काफी मजा रहता है, मजा आता है, और पार्टनरशिप वगैरह बनाने में बहुत अच्छा रहता है उनके साथ. करेक्ट। और जैसे आप बचपन से ब्लेस्ड रही है, आप एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा करते थे, आप फुटबॉल में बहुत अच्छा किया, क्रिकेट, पढ़ाई सब में, बट हमारे कंट्री में बहुत सारे जगहों पे ऐसा है कि वुमेन्स को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता जी बहुत, और वुमेन्स मतलब कुछ कुछ लड़की होती है जो खुद से भी स्पोर्ट्स नहीं लेना चाहती, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मैं उनको अर्ज करना चाहूंगी, आज अभी जो सिचुएशन चल रही है, मैं जितने भी हमारा लाइव चैट देख रहे हैं, मैं उनको अर्ज करना चाहूंगी कि अपना एक ना एक फेवरेट स्पॉट जरूर पिकअप करें, और उसमें मतलब वो खेलना शुरू कर दे. क्योंकि आज का जो सिचुएशन चल रहा है, आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी चीज है. अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी चीज है, अपने बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी चीज है. तो बी इट मतलब एक स्पॉट ही नहीं, अगर किसी के पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कोई यू मान लीजिए कंटेनमेंट जोन या रेड जोन में है जो बाहर नहीं जा सकता, तो वो योगा भी कर सकते हैं. योगा इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, और करेक्ट। इसके जरिए भी फिटनेस की तरफ हम बढ़ सकते हैं.
मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल जो भी चल रहा है इसमें खुद का ध्यान रखना खुद के हाथ में है, हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. जैसे वी एज प्लेयर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रेनर्स जब हमें कराएंगे तभी हम अपने अपने सेशंस करेंगे. अभी सेल्फ डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई. अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको सर्वाइव करना है, तो आपको अपने फिटनेस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. करेक्ट. थैंक यू सो मच नुजार हम लोग से बात करने के लिए. आपका स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल रहा है और आई होप काफी लोग जो आपको देख रहे हैं आपको लेके इंस्पायर हो, स्पेशली जितने भी वुमेन्स है, जितने भी लड़कियां हैं वो आपसे बहुत इंस्पायर हो. और आई होप कि आप जल्द से जल्द वापस इंडियन टीम में कम बैक करें. जी, थैंक यू.